बाद हमें 10 का तो किया मैंने खुद से एक वादा, जब हो जाऊंगा मैं 20 का तो कर लूंगा डिग्री में आसान, 25 तक एक जॉब फिर घर का ये मुश्किल आधा, और 30 तक स्टेबल लाइफ फिर होगा सब मैंने चाहा, पर अब मैं 22 साल पर कुछ भी उखड़ा नहीं। आई होप जब होगा मेरा 40 साल तो ये चीज बोलना पड़ेगा मुझे कभी दोबारा नहीं, थैंक यू गॉड आपने दिया मुझे वो जिसका किया मैंने कोई आशा नहीं, अबे फटने की तैयारी में जब फटूंगा तो इसका मौका छोड़ने वाला कोई भी किनारा नहीं, चलना सीखा हर सीजन में पकना सीखा, बर्दाश्त करना सीखा परिस्थितियों में ढलना सीखा, और ये बस दी लाइफ ये पता है कि ये होने वाला दुर्घटना, पैडल पर पैर के साथ में ब्रेक पर हाथ ये रखना सीखा, सबकी लाइफ में होता चेंज मुझे लगा मेरे लाइफ में भी होगा चेंज, पर इतना चेंज कसम से कभी नहीं लगा, और यहाँ तक कि मेरे डीमन को नहीं पता, और या नहीं मेरे दोस्त और नहीं मेरी फैमिली को, और यहाँ तक कि पता नहीं था मेरे फैंटेसी को और हाँ मेरे बचपन को, ये अभी क्या कर रहा होगा, स्कूल में अच्छे से पढ़ रहा होगा या घर पर यह होमवर्क कर रहा होगा, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, फ्यूचर का भी नहीं क्या कर रहा होगा, और उसे तो यही लग रहा होगा कि मैं लग चुका हूँ या जॉब वॉब में या फिर कोई अच्छे कॉलेज से कर रहा हूँ टॉप वॉप में, उसे पता चलेगा क्या अभी का सीन तो हो जाएगा वो बेहोशे, तो रहने दो और उसे अपना काम करने दो, और रही फ्यूचर विनय की बात तो उसे पता कि मैं कहाँ पे मतलब ठीक जगह पे, पर मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पे, क्या पकड़ के ये मॉर्निंग फ्लाइट टू LA है करने जा रहा के वो सोसो से, या अभी भी ये वही साइकिल और पैसा मांग रहा है वो दोस्तों से, या फिर मारे लोग उस पे बना के ताने कि लड़के ने बर्बाद कर लिया करियर बना के गाने, कि आगे वो रास्ते पे नहीं पैसे कहा जाए वो खाने, सुसाइडल थॉट्स लेकर के बिता रहा दिन और शाम है प्रो, I don't know कि बन पाऊंगा या नहीं कभी कामयाब में, but I'm proud of myself कि डाली बाड़ी में बैठ कर देख सका सपने आसमान में, छोड़ के वो कम्फर्ट जोन ये चुना रिस्की लाइफ और काफी सैक्रिफाइस, निकल के छोटी सोच से उड़ने चले खुले आसमान में, cheers।